यस, तो ये दिस इज फोर्थ लेक्चर, ये चौथा लेक्चर है किस चीज का? हाँ, विंटर, विंटर रेमेडीज, कोल्ड रेमेडीज, कोल्ड, शीतलहर चल रही है, ठंड का मौसम है अभी। तो एज ए होम्योपैथ हमारे पास कुछ हमारे हथियार बिल्कुल एकदम ऐसे तैयार होने चाहिए कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही ज्यादातर जो भी दिक्कतें, जो भी समस्याएं शारीरिक या मानसिक रूप से अगर आती हैं, क्योंकि मेंटली भी चीजों का असर होता है आपको, आप इस बात का यकीन कीजिए कि मेंटल स्टेट्स भी बहुत प्रभावित होती हैं वेदर कंडीशन से। जैसे कि एक रूब्रिक है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आप माइंड चैप्टर खोलेंगे, सिंथेसिस रिपर्टरी में आपने माइंड चैप्टर में खोला, और माइंड चैप्टर में आपने खोला डलनेस, डलनेस रूब्रिक खोला आपने डलनेस, डलनेस कोल्ड, विच रेमेडी इज देयर? वेदर इन कोल्ड, ठंडे मौसम में, कोल्ड वेदर में डलनेस, आदमी सुस्त सुस्त रहे, बहुत सुस्ती रहे, चंटपन नहीं रहे, बहुत सुस्ती लगती है, सब काम करने का मन नहीं होता बिल्कुल एकदम। और इस हद तक स्ट्राइकिंग वो कब हो जाएगा? जब इस डलनेस की वजह से, सुस्ती की वजह से वो अपने प्राइमरी काम जो है वो मिस करने लग जाए। जस्ट लाइक अगर उसको कॉलेज जाना हो तो वो छोड़ के घर पे पड़ा हुआ है सुस्ती के कारण, दिमागी सुस्ती, चुस्ती फुर्ती महसूस नहीं हो रही है, एकदम कायली महसूस हो रही है, या ऑफिस जाना छोड़ के घर में, और ठंड का जबरदस्त मौसम चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन देखो माइंड पे कैसा इफेक्ट डालती है, माइंड एकदम सुस्त हो जाता है। मर्कसॉल याद आ गई तो बता दिया, आज अपन मर्कसॉल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं वैसे, ठीक है, वो तो बात चली तो आ गई। आज अपन एक बहुत ही जबरदस्त ठंड की काफी सारी कंडीशंस में इस्तेमाल होने वाली रेमेडी के बारे में बात करेंगे। बहुत फ्रीक्वेंटली इसके केसेस आते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, वो इसकी कोल्ड एंड होम्योपैथी की जो पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने जो एटीट्यूड बताया था आपको कि मेडिसिन पढ़ने के पहले आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रूविंग के समय जैसी पिक्चर लेके आया होगा पेशेंट, उसको हम अपने दिमाग में बना लें, या क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान बार बार कंफर्म किया हुआ। ठीक, तो अपन बात करते हैं, अ ग्रेट कोल्ड रेमेडी बहुत सारी कंडीशंस में आराम दे देती है पेशेंट को इस ठंड के मौसम में, एंड दैट इज नक्स वोमिका, एंड दैट इज नक्स वोमिका। ठीक है, नक्स वोमिका के बारे में बताते हुए डॉक्टर हेरिंग कहते हैं, इधर ध्यान दें आप लोग, ये लेक्चर सुनने के लिए है, लिख, ठीक है ना, आपके पास है, आप 50 बार सुन सकते हैं, ठीक है। हमारा जो माइंड है उसकी बनावट ऐसी है कि वो शब्द की बजाय पिक्चर्स को ज्यादा जल्दी ग्रास्प करता है, पिक्टोरियल लैंग्वेज, हमारा माइंड पिक्टोरियल लैंग्वेज, हमारे को ख्वाब जो सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं वो पिक्टोरियल होते हैं, कभी भी शाब्दिक नहीं होते, कभी भी वर्ड्स में नहीं होते, दे ऑल आर पिक्चर्स। तो दे जो चीज देखी हुई चीज, जिस चीज को आप देख रहे हैं, और अगर बार बार उस चीज को देख रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ रिपीटेड एक्सपोजर, तो वो चीज आपके दिमाग में फिक्स हो जाती है। तो अभी आप ध्यान दे लें इस चीज को, क्यों ध्यान दे लें, इसलिए ध्यान दे लें कि आप उस चीज को ग्रास्प कर लें बिल्कुल एकदम, कि आपके पास आए, एक तो डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं आपको कि ऐसा होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली आपको किस तरीके से मिलेगा, उसकी आपके दिमाग में कैसी पिक्चर होनी चाहिए, डॉक्टर हेरिंग इसके बारे में बताते हैं।
नक्सोमिका के बारे में, कहते हैं बैड इफेक्ट्स फ्रॉम सिटिंग ऑन कोल्ड स्टोन्स, ठंडे पत्थरों में बैठने के कारण होने वाले बैड इफेक्ट्स। ठीक, अब ठंडे पत्थर में कौन जाके बैठेगा भाई, ठंडे पत्थर में कौन जाके बैठता है, ठीक, कौन जाके बैठता है, कैसे समझेंगे हम इस रूब्रिक को भाई, जो आपके घर में जो लगे हुए हैं मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा, कड़प्पा, टाइल्स, ये सारी चीजें जो लगी हुई हैं आपके घरों में, ये स्टोन्स ही हैं और ये ठंडे हो जाते हैं ठंड के मौसम में, और आमतौर पर बच्चे इसमें नंगे पांव घूमते हैं, नंगे पांव घूमते हैं, वहीं पे बैठे बैठे फर्श में खेल लेते हैं, और अचानक आपके पास कोई केस आ जाता है इस तरीके का। एक बहुत जबरदस्त केस मैं अपनी ही प्रैक्टिस से सुनाऊंगा, बहुत शुरुआती टाइम था मेरे प्रैक्टिस का, मेरी मैरिज हुई थी, मेरी मैरिज को 11-12 साल होने को आ रहे हैं, मेरी मैरिज हुई थी उस टाइम मेरा बेटा छोटा सा था, होगा बस चलना ही सीखा था, कि 4 पांव से चलता था, याद नहीं आ रहा मुझे, बट ऐसी कुछ था, छोटा सा था। तो हम कहीं गए थे, वहां मैं क्लिनिक में बैठता था, तो ऊपर में जी मेरी वाइफ को, वहां पूरा मार्बल लगा हुआ था उस घर में, तो मेरी वाइफ घर की ड्यूटीज खाना वाना बनाने में लगी रह जाती थी, बच्चे को देख नहीं पाती थी, तो वहां पे बिल्कुल मार्बल्स लगा हुआ था पूरा, तो बच्चे नंगा पांव वहीं घूमना, वहीं वो करना, उसके बाद उसको हल्का हल्का जुकाम चालू हुआ, जुकाम वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते खांसी में कन्वर्ट हो गया, और खांसी में कन्वर्ट होने के साथ फिर उसको तेज बुखार, मतलब, और जिसको बोलते हैं पसली चलना जिसको बोलते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे सांस लेता है बच्चा कि जैसे कि पसलियां चल रही हो, बिल्कुल आगे पीछे हो रही हो ऐसा, और तेज बुखार, खांसी है जबरदस्त, काय की कंडीशन है ये, निमोनिया की कंडीशन। बहुत शुरुआती दौर था उस वक्त मेरी प्रैक्टिस का, ठीक है, बच्चे को एक आध दवा देने के बाद उसको रिलीफ नहीं मिल रहा था, उसको लेके मैं रात भर गोद में बैठा हुआ था, क्योंकि तकलीफ थी गोद में, मुझे ऐसा लग रहा था उसको अच्छा लेटने में दिक्कत हो रही थी, गोद में लेके उसको ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कंफर्टेबल फील कर रहा है, और मैं भी काफी टेंस था, छोटा बच्चा है, बहुत तकलीफ में है। मेरी वाइफ मुझसे पूछती है कि इसी को कहते हैं क्या पसली चलना, मैंने उसे नहीं बताया, मैंने नहीं, ये थोड़ी ना होता है, इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो फिर वो हंगामा मचा देती है कि तुरंत इसको हॉस्पिटल लेके चलो, और हॉस्पिटल जाने के बाद जो गत होती है बच्चों की आईसीयू में, अल्लाह रहम करे, ठीक। तो मुझे उस वक्त ये ध्यान आया, उस वक्त की जो भी मेरी ट्रेनिंग थी, जो भी मुझे आता था थोड़ा बहुत, कि ये तो समझ में आ गया निमोनिया है, तो मुझे ऐसा लगेगा निमोनिया की एक बहुत अच्छी अपने यहाँ दवा होती है, बहुत ज़बरदस्त, जो शुरुआती होम्योपैथी लोग खाली निमोनिया के नाम से दे देते हैं, जस्ट लाइक ब्राइनिया इज देयर, कालीकार्ब इज देयर, तो ब्राइनिया मैंने उसको दिया। अच्छा, 3-1 दिन से जब से उसको बुखार आ रहा था, उस खाना पीना दूध सब छोड़ दिया था उसने, कुछ भी नहीं, क्वाइट, चुप, सुन, ब्राइनिया देने से ये हुआ। तो हमारे इससे आप समझना, इन अनुभवों से ये समझना कि आपकी रेमेडीज कैसे काम करती हैं। अगर वो ब्राइनिया कुछ सिम्टम्स सच कर उसके प्रोमिनेंट कवर कर रही है, तो वो उनको तो कवर कर ही लेती है, भले ही वो कंप्लीट क्योर ना दे पाए। तो ब्राइनिया ने कंप्लीट क्योर तो नहीं दिया उसको, कैसे मैं बताऊं कंप्लीट क्योर अपने कैसे समझ में आता है कि सिम्टोमेटिक एलोपैथी टाइप आराम मिला है। तो ब्राइनिया से उसको वैसे मिल गया, उसका बुखार उतर गया, वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लग गया, थोड़ा सा बुखार भी उतर गया, खांसी भी नहीं हो रही है, ब्राइनिया ने इतना तो कर दिया, बट वैसे ही सुन है वो, कुछ खा पी नहीं रहा है अभी भी। जनरल कंडीशंस में इंप्रूवमेंट नहीं आया, मतलब आपकी मेडिसिन ने
सुपरफिशियली एक्ट किया, मतलब आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा, थोड़ा ध्यान दिया, तो ऊपर वाले की मेहरबानी से दिमाग में आया, उस वक्त पढ़ा हुआ है इसलिए बिल्कुल आता है, कि यार ऐसे ये ठंडे में बहुत घूमा हुआ है उस वक्त, और उसके बाद से इसकी प्रॉब्लम्स चालू हुई थी। और मैंने उसको नक्स ओमेगा दिया इस कॉजिशन पे। नक्स ओमेगा देने के बाद 5 मिनट बाद वो क्या बोलता है पता है, कि फ्रिज में सामने रखा हुआ माजा जो है वो पीना है मुझे। फ्रिज में एक जूस रखा हुआ था, मैंगो जूस, वो पीना है मुझे। ठीक, तो ये जो रूब्रिक जो एक है, और इस ये कई तरह की, जैसे कि आपके पास इस तरह के लोग भी आ सकते हैं, जैसे कि आप समझ लो जैन मंदिर होते हैं, मंदिरों में मार्बल लगा रहता है, वहां जाके लोग बग बैठे हुए हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का अगर कोई सभा हो गई, मस्जिदें हैं या कोई ऐसी जगह जहां पे लोग बग जाके, गुरुद्वारे हैं नीचे बिल्कुल मार्बल का फर्श बना रहता है, जाके पालथी मार के बैठ गए, ऐसे बैठे रह गए। लेकिन खास तौर से बच्चों के केसेस बहुत आते हैं, क्योंकि वो नंगे पांव बहुत घूमते हैं ऐसी कंडीशन में, अगर ध्यान। तो इस कंडीशन में, इस मौसम में कभी कभार अगर कुछ नहीं समझ में आता है, तो मैं कभी कभी, वैसे ये मना है, लेकिन मैं लीडिंग क्वेश्चंस पूछ डालता हूँ, क्योंकि ये कि भैया आपके घर में मार्बल वगैरह लगा, बच्चे नंगे पाँव गिर, हाँ इनको दिन भर नंगे पाँव घूमता है। और ऐसे में अपने कई सारे केसेस, खास तौर से छोटे बच्चों के, अच्छे खासे सर्दी जुकाम निमोनिया जो भी चीजें हो गई, ये तो मैंने आपको एक लाइव केस सुनाया नक्सों में, तो आप ये समझे, बेड इफेक्ट्स ऑफ सिटिंग ऑन कोल्ड स्टोन्स, ठंडे फर्श पे। ठीक, दूसरी बात, डॉक्टर हेरिंग जो बताते हैं ठंड से संबंधित, कि ये नक्सोमी का जो अपना हमारा हथियार है, इसकी क्या क्या खूबियां हैं ठंड से लड़ने के लिए। अभी सिर्फ ठंड, कोल्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना। जैसे कि तुमने उस दिन एक क्वेश्चन पूछा था, कोई मेडिसिन ये मेडिसिन दे दो, लेकिन सर ये मेंटल स्टेटस में पाई जाती है, ये तो मिल ही नहीं रही है, दिस इज द रॉन्ग वे। अगर कोई ठंडे स्टोन में खड़ा रहा कहीं हुई सभा मंदिर में मस्जिद में, ठीक है ना, वहां काफी देर खड़ा रहना पड़ गया या बैठा रहना पड़ गया ठंडे फर्श पे, उसके बाद से उसकी नाक ठस गई, उसको जबरदस्त जुकाम हो गया, रात में और ज्यादा ठस जाती है, बिल्कुल एकदम नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, खांसी भी हो गई, दिक्कत हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, और अगर वो चिड़चिड़ा नहीं दिख रहा है आपको, एकदम से भड़कने वाला नहीं दिख रहा है, तो क्या आप नक्सोमी का नहीं दोगे? ये नॉनसेंस काम नहीं करो, इस तरीके से मैचिंग नहीं की जाती है, मैचिंग सिर्फ एसेंशियल टोटलिटी की जाती है। भाई ये लेक्चर बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, ये लेक्चर लेमेंस भी सुन रहे हैं, डॉक्टर्स भी सुन रहे हैं, लेकिन सबके सुनने सुनने में फर्क है। हो सकता है लेमेंस जो है इन लेक्चर से अपनी एक्यूट प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, बट क्रॉनिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको स्पेशलिस्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा एक साइंस है, वो एक पूरी प्रोसेस है, इतना छोटा सा मैटर नहीं है कि दवा दो और हो गए ठीक, पूरा साइंस है, कि ऑब्जर्वेशंस चेक करना कि मेडिसिन्स का क्या रिएक्शन आया, उसके हिसाब से फिर फैसला लेना कि अब क्या करें, कुछ नहीं करें, अपने आप को रोक के बैठे रहें कि अब कुछ दें तो इंक्रीज करके दें कि बदलना पड़ेगा, ये पूरा साइंस है भाई। बीच में क्रॉनिक कंडीशन के अगर कोई एक्यूट कंडीशन आ गई, तो अब उसको कैसे करना पड़ेगा, तो वो क्रॉनिक केस का ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है, बात समझे। सो दूसरी बात ठंड से रिलेटेड जो डॉक्टर हेरिंग बताते हैं, कि बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस होती है ठंडी हवा के लिए, इसको भी बहुत ठंड लगती है,
कल जैसे अपन ने ईपीकैक के बारे में बताया था, उसको तो रात रात भर नींद नहीं आती, ऐसा हो जाता है। बिस्तर में जाने के बाद भी, ओढ़ लेने के बाद भी ठंड, इसमें भी ऐसा होता है नक्स में, बट नींद नहीं आने वाला सिर्फ नहीं, एक बार सो गया तो सो गया, लेकिन ईपीकैक को तो नींद ही नहीं आती ठंड लगने के कारण, गर्म नहीं हो पाते। तो एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है इसकी कोल्ड एयर के लिए, नक्सुमिका के पेशेंट की लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, मतलब जुकाम होने की या ठंड से प्रभावित हो जाने की एक लायबिलिटी, प्रवृत्ति होती है, हो जाते हैं ये लोग। ठीक, तो ठंड में आमतौर पर जुकाम हो जाता है, कैसा जुकाम होता है इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। जुकाम, सर्दी लग जाने की प्रवृत्ति बहुत आसानी से, लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, क्यों? क्योंकि सेंसिटिवनेस है, संवेदनशीलता है इसकी ठंडे ठंडी हवा के प्रति। एक बड़ी और बहुत अच्छी, क्योंकि जब अपन बहुत सारे लोगों को प्रूविंग्स में देखते हैं, इधर देखते हैं, तो जैसे किसी ने एक बात कही हमको आधी अधूरी समझ में आई, लेकिन दूसरे ने उस चीज को कंप्लीट कर दिया कि नहीं वो ऐसा ऐसा होता है। ठीक, तो देखो एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, और अक्सर आपके पास इस मौसम में लोग बाग आते होंगे, आ जाते होंगे। क्या बोलते हैं डॉक्टर हेरिंग नक्सुमिका के बारे में, कि ड्राई विंड, ऐसी सूखी ठंडी हवा जब चलती है बाहर, शीत लहर चलती है, बहुत ठंडा मौसम होता है, ऐसी हवा बोले ड्राई टेक्स कोल्ड इन हेड, सर पे ले लेता है ये कोल्ड को। कहने का मतलब क्या होता है इसका, आप देखेंगे सर में दर्द होना ठंड से, और खास तौर से नक्सोमिका का दर्द जो होता है ये यहां पकड़ता है, एक टेंशन, एक तनाव सा रहता है बिल्कुल एकदम। लेकिन अगर कोई आके बोले कि ठंडी हवा में गया था तब से सर भन्ना रहा है मेरा, या सर दुख रहा है, तो यू कैन गिव नक्सोमिका, आप नक्सोमिका दे सकते हैं। और ये तो बता ही दिया कि इस तरह की ड्राई कोल्ड वेदर से जुकाम हो जाए, लेकिन मैंने फिर से बता रहा हूं, एक मेडिसिन की पिक्चर आपके दिमाग में कंप्लीट क्या होती है, कब होती है, कि कॉजेशन तो हम बता रहे हैं कि ड्राई कोल्ड वेदर है, सूखी ठंडी हवा है, अभी जो बाहर ठंडा मौसम चल रहा है, शीत लहर चल रही है, ये हो गया एक फैक्टर। अब बोले कि आर्सेनिक को जुकाम हो जाता है इससे, अब बोले अपन ईपीकैक को जुकाम हो जाता है इससे, अब अपन ने बोले इससे नक्सोमिका को जुकाम हो जाता है। लेकिन हम इसमें से तीनों में आर्सेनिक, ईपीकैक एंड नक्सोमिका कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अब किस तरह का जुकाम हो रहा है, रिस्पॉन्स किस तरीके का आ रहा है, तो ये टोटल एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। और ये कॉम्बिनेशन अगर आपके दिमाग में बैठ गया एक बार, अभी तो अपन समझ रहे हैं ऊपर से इस चीज को, डॉक्टर हेरिंग बोल रहे हैं कि भैया ऐसा होता है, चलो ठीक है, बाकी दूसरे डॉक्टर्स क्या कहते हैं इसके बारे में वो भी अपन देखेंगे। तो ऐसे मौसम में जुकाम हो जाए, ठंड की वजह से सर दुखे, खासतौर से माथा, ठंड बहुत ज्यादा लगे, ठंड से जुकाम हो जाने की टेंडेंसी, ठीक, यहां तक कि वो ये बोलते हैं कि ठंड से, जब भी आप डॉक्टर हेरिंग के मटेरिया मेडिका पढ़ें तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, किसी भी मेडिसिन में, अपर फेस, लोअर फेस, अपर लिम, लोअर लिम, ये वो, कहाँ किस में कैसा इफेक्ट है। तो उसमें से उनका एक बड़ा अच्छा चैप्टर होता है टेम्परेचर एंड वेदर, उस पर ध्यान जरूर दें। ठीक, तो ये कहते हैं डॉक्टर हेरिंग कि देखो ठंड से किसी का सर दुखे, नक्सोमिका दे दो, किसी का दांत दर्द बढ़ जाए, हल्का फुल्का होता हो और ठंडा मौसम हुआ और दांत दर्द होने लग जाए, एकोनाइट में भी अपन ने बात करी थी होता है, लेकिन एकोनाइट का बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत भयावह, बहुत कंडीशन होती है एकोनाइट की, तो इसमें भी दांत का दर्द बढ़ जाए, या
कई लोग बोलते हैं ना गले में छिला छिला सा लग रहा है, छिलन छिलन सी लग रही है, अजीब सा छिल सा गया है गला, ठंड की वजह से ऐसा हो जाए। डॉक्टर हेरिंग कहते हैं नक्सोमिका यू कैन गिव, ठीक है ना, किसी कोल्ड रूम में, किसी ठंडे रूम में जो ठंडा हो वहां जाके बैठ जाए तो उसको लेरिंजाइटिस हो जाए। लेरिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, कैसे पता चलेगा, लेरिंग्स में पेन के साथ खांसी आएगी, फीवर भी आ सकता है। खांसी हो गई डॉक्टर साहब, बहुत ठंडे कमरे में बैठ गया था, खांसी हो गई, यहां दर्द हो रहा बहुत, और देखिए बुखार भी है, आपको समझ में आ जाएगा कि लेरिंजाइटिस हुआ है। दर्द के साथ बुखार मतलब इन्फ्लामेशन उस जगह का, और लेरिंग्स का इन्फ्लामेशन होगा, लेरिंग्स का इरिटेशन होगा, खांसी आएगी। आपको जानना पड़ेगा, लोकेशन देखना पड़ेगा, पेशेंट तो आगे ही बोलेगा डॉक्टर साहब गला दुख रहा है, खांसी आ रही है और बुखार हो गया। आपको देखना पड़ेगा कि इन जनरल थ्रोट की बात कर रहा है कि ये वॉइस बॉक्स लेरिंग्स की बात कर रहा है। ठीक है ना, अगर दमे का मरीज है तो दमा एग्रावेट हो जाता है कोल्ड एयर से, खांसी एग्रावेट हो जाती है। तो इन जनरल इसकी जबरदस्त सेंसिटिविटी टू कोल्ड होती है, कोल्ड कई तरीके से इसको इफेक्ट करती है। तो इस तरीके से आपके पास लेके आ गए, ठंड में गया था गला छिला छिला सा लग रहा है, आप तुरंत नक्सोमिका दे सकते हैं। दांत का दर्द बढ़ गया है, यू कैन गिव नक्सोमिका। सर में दर्द हो रहा है ठंड में जाने की वजह से, यू कैन गिव नक्सोमिका, है ना। लेरिंग्स में पेन, वॉइस बॉक्स में पेन, फीवर के साथ खांसी हो रही, किसी ठंडे रूम में बैठ गए थे, ठंडी हवा में जाने से अस्थमा कोई दबा हुआ या है उसको, लेकिन अटैक आ गया, कफ एग्रावेट हो गया। ठीक है ना, नक्सोमिका का टूथेक ठंडे मौसम के अलावा ठंडे पानी से भी एग्रावेट होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, तो अब अपन ये समझने की कोशिश करते हैं, इतनी बातें आप बहुत सारी हो गई हैं, मामूली नहीं है। अभी जितनी अपन ने थोड़ी सी बातें करी, इसमें इस विंटर के, इस कोल्ड सीजन के बहुत सारे केसेस आपके कवर हो जाते हैं, कॉमनली आने वाले बहुत सारे केसेस कवर हो जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक जगत के, अगर किसी ऋषि मुनि टाइप होते थे ना बिल्कुल एकदम, अगर कहा जाए तो उनमें से है वो डॉक्टर बुकर, डॉक्टर सीएम बुकर। कैसे, डॉक्टर पी शंकरन ने एक बार कहा था कि अगर डॉक्टर बोगर ने केंट रिपर्टरी लिखी होती तो वो बड़ी छोटी सी होती, क्योंकि वो इतना पिन पॉइंट बात करते थे। उनकी सिनोप्टिक की पढ़ना, जब सिनोप्टिक की उनकी पढ़ोगे ना तो वो बिल्कुल पिन पॉइंट बात की है एकदम। अगर आपको डिस्क्रिप्शंस उसके अपने एक्सपीरियंस से और प्रूविंग की बुक से आप पढ़ चुके हो तो सिनोप्टिक की के थ्रू आप मेडिसिन को पकड़ के बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हो, समझे। ये तरीका है इनकी, बोगर साहब की। तो बोगर साहब ने सिर्फ क्या लिखा मालूम है, बोगर साहब ने अपनी सिनोप्टिक की में नक्सोमिका के बारे में बोलते हैं, उनका हेडिंग होती है रीजन जगह, तो उसमें पता चलता खास तौर से किन किन जगहों को ये प्रभावित करती है दवा। फिर उनका एक होता है वर्स, वर्स किस कंडीशन में होता है, उसमें सीधा से उन्होंने लिख दिया एकदम बोल्ड में कोल्ड, कोल्ड में बोले कोल्ड ओपन एयर सूखा। आप देखेंगे आगे नक्सोमिका के कफ के बारे में पढ़ेंगे तो नक्सोमिका का खांसी का पेशेंट जब घर के अंदर बैठा रहता है वार्मथ में तो उसको खांसी, जैसी घर के बाहर जाता है और बाहर ठंडा मौसम है ओपन एयर में, कोल्ड ओपन एयर में तुरंत खांसी के ठसके चालू हो जाते हैं उसको, है ना। तो क्या क्या क्या, क्या लिख दिया उनने, वर्स चैप्टर के अंदर लिख दिया कि कोल्ड ओपन एयर खुली ठंडी हवा में इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं,
ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड विंड, उससे स्किन की प्रॉब्लम बढ़ती हैं, कोल्ड सीट्स ठंडी जगहों पे बैठने से प्रॉब्लम बढ़ती हैं, कोल्ड विंड ठंडी हवा जब बहती है शीतलहर चलती है उससे इसकी प्रॉब्लम होती है, और अनकवरिंग कोल्ड। रात भर अक्सर मम्मी आके बोलती हैं कि डॉक्टर साहब एक्चुअली ना इसको बहुत सर्दी जुकाम हो गई, जो भी हो गया लेके आई हैं, लेकिन कई बार अक्सर ये बोल देती हैं एक्चुअली ना ये रात भर खुलस हो गया। उड़ाए थे रात में, हट गया होगा और रात भर ये वैसी खुलस हो गया, या कोई बोले मैं रात भर खुलस हो गया ऐसे ठंडे मौसम में, और दिक्कतें आ जाए, परेशानियां आ जाए, फिर चाहे वो गले की हो, जो भी हो, जैसा भी डिस्क्रिप्शन हो, आप इस चीज को समझें, ठीक है। और एक छोटी सी बात बोल के बिल्कुल बोल्ड में कह दिए, टेक कोल्ड्स, इसको ठंड जुकाम है, ठंड लगती लग के जुकाम हो जाता है इसको ठंड से। इतना स्वीट एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उनने दे दिया है। अगर इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस आप पढ़ चुके, इनको आप की तरह सिनॉप्टिक की क्यों बोलते हैं, डॉक्टर बोगर सिनॉप्टिक की, कि उनने आपको की दे दी, अब वो की जो है उसको आपका डिस्क्रिप्शन इस तरीके से दिमाग में बना हुआ होना चाहिए, अलग अलग डॉक्टर के एक्सपीरियंस से, खुद के एक्सपीरियंस से। तो जैसे ही आपके पास कोई आया, वो की क्या लेके आया, कोल्ड विंड एक्सपोजर, अब आपके दिमाग में वो की से प्रोमिनेंसी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। ठंडे मौसम में आपके पास मरीज आया तो आपके पास ये प्रोमिनेंट रेमेडीज जो अपन कर रहे हैं, जो कि ज्यादातर तो इन्हीं में से तो आएंगी दिमाग में यही। और आमतौर पर अगर चुपचाप रहने की आपकी प्रैक्टिस हो गई, जो कि सबसे मुश्किल प्रैक्टिस होती है अनप्रेजुडिस होने, चुपचाप खाली दिमाग सुनने की, तो कई बार तो क्वेश्चंस पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है एक्यूट केस में। ठीक है, अभी सुबह फोन आया मेरे पास नाश्ता करते करते, कहां से आया, कानपुर से आया। आमतौर पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता फोन पे ऐसा करना, प्रॉपर अपॉइंटमेंट के थ्रू हो पाता है, लेकिन वो खुद एक कोई होम्योपैथिक के थोड़े बहुत जानकार होंगे, करते होंगे थोड़ी बहुत, और वो उनका कहना था कि ठंड में गया था डॉक्टर साहब, तब से बहुत खांसी होती है, खांसते खांसते सांस खूब चलती है सुबह, और सांस बिल्कुल भरा जाती है, और घड़ा 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 आवाज आती है, और ठंड में गए थे। कली पढ़ी है अपन ने, कली समझी है अपन ने ईपी के, ये भी बताया था कि शायद उल्टी हो जाती है खांसते खांसते, या बिल्कुल उबकाई आ जाती है, ये भी बताया था, बिल्कुल कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस तरीके से पिक्चर आपके दिमाग में तैयार होनी चाहिए। ठीक, तो ये थोड़ी सी बेसिक्स बातें अपन ने इसके बारे में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ठंड से रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में अपन ने जाना है। अब इसको इसका एक इस ये जो हमारी जानकारी अभी हमारे पास आई है नक्सोमिका के, ठंड से हम कॉम्बेट कैसे करें नक्सोमिका के थ्रू, इस चीज को हम समझने बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी ये जो जानकारी है हमारे पास आई है डॉक्टर हेरिंग के थ्रू, डॉक्टर बोगर के थ्रू, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये जो जानकारी आई है, इसको थोड़ा सा और पुख्ता करते हैं, और इसको पुख्ता करने में हम बड़ा खूबसूरत डॉक्टर केंट का डिस्क्रिप्शन सुनेंगे। डॉक्टर केंट डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि ही इज ओवर सेंसिटिव टू ओपन एयर, ये खुली हवा ठंडी हवा के प्रति, टू ड्राफ्ट ऑफ एयर ठंडी हवा के प्रति, ऑलवेज चिली हमेशा इसको ठंड ज्यादा लगती है। नक्सोमिका के पेशेंट आएंगे, नक्सोमिका टाइप के पेशेंट आएंगे तो सबसे पहले आपके पंखा बंद करवाएंगे, इस तरह के जो पेशेंट आते हैं जो ओवर सेंसिटिव टू एयर ड्राफ्ट ऑफ एयर रहते हैं, आगे सर प्लीज पंखा बंद करवा दीजिए। इसके इतना ही बोलने से ये समझ में आ जाता है कि ही इज ओवर सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर।
हमेशा इसको डॉक्टर कहते हैं इसको हमेशा ठंड से जुकाम हो जाता है, ऑलवेज टेकिंग कोल्ड, हमेशा ठंड से इसको जुकाम हो जाता है, और जुकाम कहां जाके सेटल होता है, नाक पे। और फिर नाक के बाद ये मेरे बच्चे को भी पहले जुकाम हुआ था, नाक बंद होने वाला। इसका जुकाम जो होता है ना नक्सोमिका का, ये आमतौर पे नाक बंद होने वाला होता है। ठीक, डॉक्टर केन क्या कहते हैं, इसको ठंड लग जाने के और ठंड से इसको जुकाम हो जाता है कुछ, और जुकाम का जोर नाक पे सबसे पहले रहता है, फिर उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट ऐसा नहीं हो पाया तो फिर वो एक्सटेंड कर जाता है थ्रोट, चेस्ट, जैसे मेरे बच्चे को देखो निमोनिया हो गया था, ईयर, अस्थमा के बारे में बात कर ही चुके हैं अपन, अस्थमा इसका, अस्थमा भी इसका एग्रावेट हो जाता है। अब हम डॉक्टर बोरिक के एक्सपीरियंसेस सुनेंगे, डॉक्टर बोरिक के एक्सपीरियंसेस के थ्रू इसलिए मैं डॉक्टर बोरिक का एक्सपीरियंस आपका सुनाना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी तक तो आप ये सुनते आ रहे हैं कि ठंडी हवा से जुकाम हो जाना, ठंडी हवा से जुकाम हो जाना, जुकाम नाक में सेटल हो जाना, लेकिन इसका सही डिस्क्रिप्शन जो कि हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाए वो मिलता है हमको डॉक्टर बोरिक के डिस्क्रिप्शन में। डॉक्टर बोरिक क्या कहते हैं, और डॉक्टर बोरिक में अगर इटैलिक्स में अगर कोई चीज दी हुई है, मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट से कहता हूं डॉक्टर बोरिक की बुक में अगर कोई चीज इटैलिक्स में दी हुई है तो वो रामबाण होता है आमतौर पे, अगर आपने उसको सही तरीके से समझ के। क्या कह रहे हैं डॉक्टर बोरिक, इटैलिक्स में लिखा हुआ है स्टफी कोल्ड्स, ऐसा जुकाम जिसमें नाक बंद जाती है, नाक बंद होना प्रोमिनेंट है, अगर सबसे पहले वो आके ठंडी हवा खा के आया है, जुकाम की शिकायत लेके आया है, और सबसे उसका प्राइमरी कंसर्न क्या है, नाक बंद है डॉक्टर साहब, बिल्कुल एकदम सांस लेते नहीं बन रहा है, मतलब स्ट्राइकिंग फीचर उसका, अगर देखो स्ट्राइकिंग फीचर स्नीजिंग भी हो सकता है, छींक से ज्यादा परेशान हो, स्ट्राइकिंग फीचर कोराइजा में प्रोफ्यूज डिस्चार्ज भी हो सकता है, लेकिन इसमें स्ट्राइकिंग फीचर होता है नाक बंद हो जाना नक्सोमिका में। तो और एक ऐसा सिम्टम जो कि ऑब्जर्व हो जाता है ठंडी हवा के एक्सपोजर के बाद, ठंडी हवा में जाने के बाद, ड्राई कोल्ड एयर विंड को एक्सपोज होने के बाद उसको स्नफलिंग होने लगती, बच्चों को भी और इसको भी। स्नफलिंग क्या होती, कैसे, ये ऑब्जर्व करने वाला सिम्टम है, आमतौर पर पेशेंट से सुनते नहीं है अपन इसको, ये ऑब्जर्वेशन में आता है स्नफलिंग। स्नफलिंग ये होती है कि जब नाक बंद होना शुरू होती है या काफी बंद लगती है या कंजेशन फील होता है तो लोग बात कैसे करते हैं, बहुत जुकाम हुआ डॉक्टर साहब, ये स्नफलिंग दो ही कंडीशन में आमतौर पे लोग बात करते हैं, या तो उनको जुकाम हुआ हो, नाक बंद हो रही हो, या तो रो रहे हो, वो ये नक्सोमिका की स्नफलिंग नहीं होती है, नक्सोमिका की नाक बंद होने वाली स्नफलिंग होती है। स्नफलिंग समझ गए कैसे आएगा पेशेंट, नाक बंद हो रही है उसकी, ठंडी हवा को एक्सपोज हुआ है, नाक बंद हो रही है या बंद होने की प्रोसेस में है, कंजेशन फील हो रहा है, लगे हुए हैं, बच्चे भी ऐसे सुड़ सुड़, देखिए डॉक्टर साहब कल घूमने गए तो उसके बाद से नाक सुड़ सुड़ आ रहा है, इस तरीके से बोला जाता है। और एक बहुत खास बात होती है, बहुत खास बात होती है नक्सोमिका के नाक बंद होने की, नक्सोमिका की जो नाक सोचो ठंडी है हवा लगने से ही
और कोल्ड ड्राई विंड की वजह से ही उसको हुआ है। लेकिन इसको ना आश्चर्यजनक रूप से, बड़े अजीब तरीके से, इसलिए पिक्यूलियर सिम्टम है कि घर के अंदर जब ये बैठता है, वो वार्म रूम में घर के अंदर, उस टाइम इसकी नाक और बंद महसूस होती है। इसको जब ये खुली हवा में जाता है ना, जब ये खुली हवा में जाता है तो इसको नाक में खुलापन महसूस होता है, और घर के अंदर रहेगा तो नाक और ज्यादा बंद होगी। तो आप समझे, जब ये, जब डॉक्टर हेरिंग कह रहे थे कि लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, आसानी से ठंड लग जाती है, ठंड से जुकाम हो जाता है, तो जुकाम किस तरीके का होता है, और फिर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो, किसी ने जाके पेलेटिव ट्रीटमेंट ले लिया हो, तो फिर ये नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, फिर ये निमोनिया या चेस्ट कंप्लेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि मैंने अपने बेटे का केस आपको सुनाया था। ठीक है, डॉक्टर बोरिंग ने भी बताया है कि इसका दांत का दर्द कोल्ड थिंग से और कोल्ड एनवायरनमेंट से बढ़ता है, इसका दांत का दर्द। और डॉक्टर HCLN ने अपनी की नोट पे, जब डॉक्टर HCLN की नोट अपन देखते हैं, डॉक्टर HCLN कहते हैं बैड इफेक्ट्स ऑफ सिटिंग ऑन कोल्ड स्टोन्स, उसी चीज को कंफर्म करते हैं जो डॉक्टर हेरिंग ने कहा है। लेकिन एक चीज ये यहां पे जोड़ते हैं, सुनो, जो कि डॉक्टर हेरिंग ने नहीं जोड़ी थी, वो ये जोड़ते हैं कि ठंडे स्टोन्स में बैठने से दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन खास तौर से वार्म वेदर में अगर वो ठंडे स्टोन्स में बैठ जाए, ये ठंडे फर्श में चल ले, तो भी, मतलब इन जनरल आप समझ लें कि इस तरह के ठंडे फर्श में बैठने या नंगे पांव चलने से दिक्कतें इसको होती ही हैं, ये इसका बिल्कुल एकदम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ठंड के मौसम में ऐसा जुकाम हो जाए जहां जोर किस चीज का हो, स्ट्राइकिंग फीचर नाक बंद होना हो, तो बच्चों के भी नाक बंद होने वाले जुकाम में ये बहुत काम आती है, बहुत, क्योंकि बच्चों को जब नाक बंद होने वाला जुकाम होता है, उनको सांस लेने में, दूध पीने में दिक्कत होती है, तब ये अपने पास इसी तरह की दवाइयां दिमाग में आती हैं, जस्ट लाइक नक्सोमिका, अमोनियम कार, सम्बुकस निग्रा। सम्बुकस निग्रा का बच्चा तो दूध नहीं पी पाता, उसका नाक बिल्कुल टोटल बंद ही रहती पूरे टाइम, जबकि नक्सोमिका के बच्चे को जब खुली हवा में जब ले घूमो तो थोड़ा सा अच्छा फील करता है, क्योंकि नाक उसकी खुल जाती है। बस यहीं पे कोल्ड लेयर से अमिलियोरेशन है इसको, बाकी सब जगह कोल्ड लेयर से एग्रावेशन है, लेकिन नाक बंद होने में जुकाम है ना। कई लोग ऐसी भी शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब जुकाम तो दिन भर बहता है, हुआ ठंडे में, इस ठंड के मौसम में ऐसा जुकाम अगर कोई लेके आ जाए कि जो कि दिन भर तो बहे, गीला है, दिन भर गीला रहता है डॉक्टर साहब, रात में नाक ठस जाती है, रात में नाक बंद हो जाती है, और कोल्ड से हुआ है, इस वेदर में हुआ है, नक्सोमिका इज द रेमेडी। तो रात में सूखा जुकाम और दिन में गीला, ये नक्सोमिका की खासियत है। ठीक, और थोड़ी सी आखिरी बातें कर लें अपन नक्सोमिका के बारे में, क्योंकि नक्सोमिका के बारे में जब अपन बात कर रहे हैं,
तो मैं इस चीज को जरूरी समझता हूँ कि हम कोल्ड से रिलेटेड नक्सोमिका का सिम्टम एक बार डॉक्टर हैनीमैन की मटेरिया मेडिका प्यूरा से भी देखें, क्योंकि डायरेक्ट प्रूविंग से आए। तो पहले डॉक्टर सुनो, डॉक्टर हैनीमैन अपनी मटेरिया मेडिका की प्रूविंग में एक जगह कहते हैं नक्सोमिका के बारे में, सीरियस एलिमेंट्स गंभीर बीमारियां। देखना एक लाइन का है ये, लेकिन ये है बहुत जबरदस्त, क्योंकि मैंने देखा था मेरे बच्चे को कैसे कितना सीरियस था वो। सीरियस एलिमेंट्स गंभीर परेशानियां, गंभीर तकलीफें, छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी गंभीर बीमारियां फ्रॉम कैचिंग कोल्ड, ठंड खा जाने की वजह से जो होती हैं, आर ऑफन रिमूव्ड बाय इट, प्रायः नक्सोमिका के द्वारा उनको ठीक कर दिया जाता है। और क्या कहते हैं, उसी चीज को कंफर्म करते हैं जब डॉक्टर हेरिंग ने कहा था कि टेक कोल्ड इन हेड। क्या कहते हैं कि ठंडी हवा, डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि ठंडी हवा, कोल्ड विंड, कोल्ड एयर से सर में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, लेकिन इसका ये ऊपर, ये बाहरी खोल में, सर के बाहरी खोल में ही इसका असर, अंदर दिमाग में दर्द कभी नहीं बताता है ठंड की वजह से सर दर्द, खास तौर से टेंशन इन, तनाव सा महसूस हो माथे पे, वैसे इन जनरल अगर हेडेक हो, ठीक, ठंड से। एक जगह डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं वही कि ऐसा दांत का दर्द जिसको किसी तरीके से आदमी ने दवा ववा खा के आराम दे के रखा हुआ हो, वो ठंडे पानी से फिर से रिन्यू हो जाता है, या ये ठंडे मौसम में। और एक बात जो किसी ने नहीं बताई, वो प्रूविंग करते वक्त डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि डिनर के बाद, रात के खाने के बाद इसको खूब ठंड लगती है, स्पेशली रात के खाने के बाद, डिनर के बाद किसी को खूब चिलीनेस एंड कोल्डनेस, ठंड महसूस हो। ठंडी हवा से पेट दर्द भी नक्सोमिका कवर करती है, ठंडी हवा से पेट में होने वाला दर्द। तो इतना, इतनी जानकारी नक्सोमिका की, ठंड से होने वाली परेशानियों के लिए, और ये बड़ी कॉमन परेशानियां हैं बहुत। अभी ये लेक्चर सुन के लग रहा होगा कि कितनी फ्रीक्वेंटली ये इंडिकेट होती है, कितनी फ्रीक्वेंट इसकी कंडीशंस आती हैं। ठीक, स्टॉप।